इस वीडियो को बनाने के लिए देखिए इस तरीके से स्क्रैप फैब्रिक्स के छोटे 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 बड़े कुछ पीसेस बचे हुए होते हैं, उनका हम यूज करने वाले हैं। तो चलिए हम बनाना शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले मैं इस तरीके से ले लेती हूँ, ये मैंने एक रेक्टेंगल पीस ले लिया। इसके मेजरमेंट हैं 11 इंच और इसकी लंबाई है 10 इंच। वन पीस लाइनिंग सेम साइज की, किसी भी पुराने कपड़े में से ले सकते हैं। इसके बीच में इंसर्ट करने के लिए राइस बैग नहीं है तो आप आटा बैग भी ले सकते हैं। वन पीस उसके ऊपर ये रखा, इस चारों तरफ सिलाई लगा लीजिए। तरीके से सिलाई लगा ली। अब हमें क्या चाहिए, इस तरीके से प्लास्टिक शीट लेनी है, इसके बराबर इसकी विड्थ लेनी है और इसकी लंबाई मैंने ली है, इसकी लंबाई है 7 इंच। अब हमें करना क्या है, पहले हम इसे साइडों से पाइपिंग से फिनिश करेंगे। तो ये लेना है इस तरीके से कपड़ा फोल्ड करते हुए, इसे रखना है शीट को बीच में इस तरीके से रखते हुए। देखिए इस तरीके से रखते हुए यहां से लेके यहां तक सिलाई लगा लीजिए, इस तरफ से और इस तरफ से, दोनों तरफ से इसे फिनिश कर ली। ये मैंने इस पे पट्टी लगा ली, दोनों तरफ पट्टी लगा ली। अब हमें दो जिप चाहिए, 1 और 2। इस जिप की विड्थ हमें इसके साइज की चाहिए, इस तरीके से जिप लेनी है। जिप के ऊपर ये रखना है, यहाँ पे यहां से लेके यहां तक सिलाई लगा लीजिए और दूसरी वाली जिप को आपको इस तरफ रखना है इस तरीके से, यहाँ पे और यहाँ पे दोनों तरफ सिलाई लगा ली। एक जिप यहाँ अटैच कर ली, एक जिप यहाँ अटैच कर ली। अब ये जो मेन हमने बनाया था इसे इसके ऊपर रखना है इस तरीके से, दोनों तरफ से बराबर छोड़ते हुए यहाँ पे रखना है। एक सिलाई यहां से लेके यहां तक लगा लीजिए 1, एक सिलाई यहां से लेके यहां तक लगा लीजिए 2 और एक सिलाई यहां सेंटर में लगा ली। ये मैंने सिलाई लगा ली इस तरफ भी और इस तरफ भी, दोनों तरफ सिलाई लग गई और एक सिलाई मैंने यहां बीच में सेंटर में भी लगा लिया। अब हमें क्या करना है, जिप के ऊपर यहां पे इस तरीके से कोई भी लेस कोई भी रिबन पड़ा हो आपके पास यहां पे लगा लीजिए और यहां पे दोनों, ये देखिए ये मैंने लेस को अटैच कर लिया दोनों तरफ, तो ये हमारा फिनिश हो गया। अब हमें एक जिप चाहिए इसके साइज की, यहाँ ऊपर की तरफ लगाने के लिए जिप की सीधी तरफ अंदर की तरफ रखनी है इस तरीके से रखते हुए, यहां से लेके यहां तक इस पे सिलाई लगा, ये मैंने सिलाई लगा ली। अब इसे अंदर की तरफ को इस तरीके से फोल्ड करते हुए यहाँ पे टॉप स्टिच लगा, ये मैंने टॉप स्टिच लगा ली। अब दूसरे पीस को मैं इस तरफ अटैच करना है, यहां से इस तरीके से यहाँ पे रखते हुए यहां से लेके यहां तक इस पे भी सिलाई लगा ली। इसमें निकाल देती हूँ, बाद में हम इसमें रनर डालेंगे। यहां से इसे भी इस तरीके से फोल्ड करते हुए यहाँ पे टॉप स्टिच लगा ली, ये मैंने टॉप स्टिच लगा लिया। तो जिप की एक पीस यहाँ और एक पीस यहाँ अटैच हो गया इस तरीके से। अब यहां से रनर को इंसर्ट कर लीजिए, मैंने रनर को इंसर्ट कर लिया, इसे अंदर की तरफ को टर्न कर लीजिए, ये मैंने अंदर की तरफ को टर्न कर लिया। यहाँ पे दोनों तरफ इस पे सिलाई लगा ली, ये दोनों तरफ मैंने यहाँ पे इसके सिलाई लगा ली। अब ये जो रफ एजेस है सिंपल स्ट्रेट पट्टी से इसे फिनिश कर लीजिए। 1 फोल्ड इस तरीके से फोल्ड करते हुए, हाफ नीचे की तरफ हाफ ऊपर की तरफ इस तरीके से रखते हुए यहाँ और यहाँ दोनों तरफ से रफ एजेस फिनिश कर दिया। यहाँ वाली तरफ से इसे सीधा कर ली, ये देखिए ये मैंने इसे सीधा कर लिया। तो एक देखिए ट्रांसपेरेंट पॉकेट हमारी यहाँ पे बन गई, एक ट्रांसपेरेंट पॉकेट यहाँ पे बन गई। तो जो भी कलर आपने निकालना इस तरीके से इजिली खोल के वो वाला कलर चूज कर सकते हैं। 1 पॉकेट 2 पॉकेट इस तरीके से, एक बड़ी पॉकेट हमारी यहाँ बन गई। तो मशीन का सामान रखने के लिए इस तरीके से, देखिए कैंची छोटा मोटा सामान रखने के लिए और भी इसमें काफी स्पेस है, अभी आप रख सकते हैं इस तरीके से यहाँ बन गई। तो फ्रंट साइड बैक साइड इस तरीके से देखिए, बनाने में बहुत ही आसान, बहुत जल्दी हमने इसे बना लिया। आप इसे इस थ्रेड ऑर्गेनाइजर यूज कर सकते हैं या इसमें ज्वेलरी वगैरह रखना चाहें, यहाँ पे रिंग्स वगैरह, बिंदी का पत्ता, यहाँ पे अंदर कुछ भी छोटा मोटा ज्वेलरी का सामान, तो अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली आप इसे यूज कर सकते हैं। तो बिल्कुल रेडी हो गया, देखिए ये देखिए इस तरीके से दो रेक्टेंगल पीसेस लिए हैं मैंने, ऊपर मेन फैब्रिक, नीचे लाइनिंग, कोई भी पुराना कपड़ा और बीच में इस तरीके से जो प्लास्टिक वाला राइस बैग होता है उसकी एक शीट इंसर्ट करके चारों तरफ सिलाई लगाई हुई है। तो दो रेक्टेंगल पीसेस लिए हैं, इनके मेजरमेंट बता देती हूँ मैं आपको क्या है। ये है 12.5 इंच और इसकी लंबाई है 11 इंच। इस तरीके से एक पीस ले लेती हूँ, इसके सेंटर में से मार्क करके हमें उसे कट करना है। अब इस तरीके से जिप लेनी है, इसके साइज की मैंने जिप ली है, यहाँ पे रखना है इस तरीके से, यहां से लेके यहां तक इस पे सिलाई, ये पूरी लंबाई में सिलाई लगा ली। अब इसे इस तरफ को फोल्ड करते हुए यहाँ पे टॉप स्टिच लगा, मैंने इस पे टॉप स्टिच लगा लिया। अब यहां से लेना है दूसरी वाली तरफ, इस तरीके से रखनी है दूसरे वाला पोर्शन,
सेम वैसे ही यहाँ से लेके यहाँ तक इस पे सिलाई, यहाँ से लेके यहाँ तक सिलाई लगा ली। इसे भी पलटते हुए इस तरीके से यहाँ पे टॉप स्टिच, ये मैंने टॉप स्टिच लगा लिया। तो जिपर हमारी देखिए इस तरीके से इंसर्ट हो गई। अब हमें क्या करना है, हम इस पे स्ट्रैप लगाएंगे। देखिए इस तरीके से कपड़ा लिया है, ये मैंने 3 इंच लिया है, ऐसे मैंने 16 इंच लिया है। फोल्ड करके हम स्ट्रैप बना लेते हैं, 1 फोल्ड 2 फोल्ड और एक और फोल्ड। इस तरीके से सिलाई लगा के इसे और इसे दोनों स्ट्रैप को रेडी कर, ये मैंने सिलाई लगा के स्ट्रैप को रेडी कर लिया। अब हम इसे इस पे ज्वाइन करेंगे। तो पहले आपको इसका सेंटर पॉइंट लेना है, उसके बाद 2.5 इंच इस तरफ, 2.5 इंच इस तरफ, दोनों मैंने निशान लगा लिए हैं, इस तरफ भी और इस तरफ भी। अब हमें इस तरीके से स्ट्रैप लेनी है, स्ट्रैप पे भी यहाँ से 2.5 इंच पे निशान लगा लिया है और यहाँ से 2.5 इंच पे मैंने निशान लगा लिया है। अब इस स्ट्रैप को यहाँ पे रखना है, इस निशान से अंदर की तरफ यहाँ पे, और ये जो हमने 2.5 इंच का निशान लगाया यहाँ से लेके यहाँ तक इस पे सिलाई लगानी है, सेम उसी तरीके से यहाँ से लेके यहाँ तक। तो एक स्ट्रैप आपको इस तरफ जोड़नी है, इस तरीके से सिलाई सिर्फ यहाँ तक लगानी है, 2.5 इंच तक। स्ट्रैप को ज्वाइन कर लिया इस तरीके से, यहाँ से लेके यहाँ तक इस पे सिलाई लगा ली, एक इस तरफ एक इस तरफ। अब हमें क्या करना है, ये वाला पीस रखना है इसके ऊपर, ये जो दूसरा पीस था सेम साइज का ये रखना है। अब इसके चारों तरफ सिलाई लगा, इसके चारों तरफ मैंने सिलाई लगा ली, इस तरीके से हो गया। अब हमें क्या करना है, 1 2 3 4 चारों जगह से हमें इसकी कटिंग करनी है। तो 2.5 बाय 2.5 इंच का हमें ब्लॉक कट करना। कॉर्नर से कट कर दिया। अब जो कट किया है उसे आपको जस्ट इस तरीके से पकड़ना है, ये देखिए ऐसे पकड़ना है, यहाँ से लेके यहाँ तक सिलाई लगा लीजिए 1, फिर यहाँ से पकड़ना है 2, फिर यहाँ से पकड़ना है 3 और फिर यहाँ से पकड़ना है 4। ये देखिए ये मैंने सिलाई लगा ली, जैसे इस कॉर्नर पे लगाई है वैसे ही 1 2 3 तीनों कॉर्नर्स पे लगानी है, इस तरीके से पकड़ते हुए यहाँ यहाँ पे और यहाँ पे तीनों कॉर्नर्स पे लगा ली मैंने सिलाई लगा ली, 1 2 3 और 4। अभी जो रफ एजेस हैं इसे पाइपिंग से फिनिश कर लीजिए और यहाँ से जिप वाले पोर्शन की तरफ से इसे सीधा कर लिया। तो अंदर बहुत सारा स्पेस यहाँ पे टॉप जिपर के साथ इस तरीके से, और स्टिफनेस भी काफी अच्छी बनी है देखिए इस तरीके से। ये हमारा क्यूट सा बैग देखिए बिल्कुल रेडी हो गया। फ्रंट साइड, बॉटम काफी अच्छा देखिए, वाइड इसका बॉटम बनाया है, साइड्स वाइड ओपनिंग हैंडल के साथ, ये देखिए बिल्कुल रेडी टू यूज है। तो बहुत ही इजी तरीके से बनाया है, बिना फॉर्म के हमने इसे बनाया है और बनाने में बहुत ही आसान, जस्ट 2 रेक्टेंगल पीसेस को ज्वाइन करके हमने इसे बनाया है, ये देखिए इस तरीके से बिल्कुल रेडी हो गया है। ये देखिए इस तरीके से कपड़े का छोटा सा टुकड़ा लिया है, ये मैंने लिया है 4 इंच और ऐसे मैंने लिया 8.5 इंच। एक मेन फैब्रिक इधर लगाया, कपड़े का टुकड़ा इधर लगाया और बीच में इस तरीके से जो प्लास्टिक वाला होता है राइस बैग वो रख के चारों तरफ सिलाई लगाई है। इसके ऊपर अब हम पॉकेट लगाएंगे। तो पॉकेट लगाने के लिए इस तरीके से 2 पीसेस लिए हैं मैंने, विड्थ मैंने इनकी सेम ली है 4 इंच और इसकी लंबाई मैंने ली है 3.5 इंच। ऐसे है ये 4 इंच, ऐसे है 3.5 इंच। एक पॉकेट हमारी यहाँ लगेगी, एक पॉकेट हमारी इस तरफ लगेगी। और पॉकेट के लिए जिप ली है मैंने इस तरीके से, इस साइज की हमें जिप चाहिए, एक जिप इसके लिए एक जिप इसके लिए। तो लगाना शुरू करते हैं। जिप लेनी है, जिप की सीधी तरफ अंदर की तरफ रखनी है, यहाँ पे रखते हुए इस तरीके से यहाँ से लेके यहाँ तक इस पे सिलाई लगा, देखिए ये मैंने इस पे सिलाई लगा ली। अब इसे फोल्ड करते हुए इस तरीके से आपको फोल्ड करना है, यहाँ पे टॉप स्टिच, ये मैंने टॉप स्टिच लगा लिया, जैसे इसे रेडी किया है वैसे ही मैंने दूसरे वाले पे भी जिप लगा लिया। अब हमें क्या करना है, इसका हमें सेंटर पॉइंट लेना है, सेंटर पॉइंट पे मैंने निशान लगा लिया, सेंटर पॉइंट से 1/2 इंच इधर इस तरीके से जिप को रखना है, सेंटर पॉइंट से 1/2 इंच इस तरफ रखते हुए ऐसे यहां से लेके यहां तक इस पे सिलाई, ये मैंने इस पे सिलाई लगा ली। अब इसे इस तरीके से पलट दीजिए, इस तरीके से आपको इसको पलट देना है। पलटने के बाद यहां से लेके यहां से लेके यहां तक इस पे सिलाई, यहां से लेके यहां से लेके यहां तक मैंने सिलाई लगा ली। तो यहां पे देखिए इस तरीके से हमारी पॉकेट बन गई, जैसे पॉकेट इस तरफ लगाई है ऐसे ही हमें इस तरफ भी लगानी है। तो ये वाला पीस लेना है, इसे रखना है यहाँ पे,
इस पॉइंट से हाफ इंच नीचे की तरफ यहाँ से लेके यहाँ तक सिलाई लगा लीजिए और इस तरीके से पलटते हुए इसके भी चारों तरफ इसके भी तीनों तरफ सिलाई लगा के ये मैंने सिलाई लगा ली। तो एक पॉकेट हमारी देखिए यहाँ पे बन गई, एक छोटी सी पॉकेट हमारी यहाँ बन गई। अब हम इसे साइडों से जस्ट सिंपल फिनिश कर देंगे। तो इस तरीके से सिंपल पट्टी से यहाँ पे रखना है, इस तरीके से यहाँ से लेके यहाँ तक सिलाई लगा लीजिए। एक स्ट्रिप आपको यहाँ पे रखनी है, सिंपल स्ट्रेट पट्टी है, यहाँ पे सिलाई लगा, दोनों तरफ सिलाई लगा ली। इसे दूसरी तरफ को पलटते हुए देखिए हमारी पट्टी सी बन जाएगी। इस तरीके से करते हुए इस तरफ और इस तरफ दोनों तरफ सिलाई लगा ली। ये मैंने पाइपिंग से फिनिश कर दिया, जैसे इधर से पाइपिंग से फिनिश किया वैसे ही सेम दो पट्टियां यहाँ से लेके यहाँ तक और यहाँ से लेके यहाँ तक दो तरफ सिलाई लगा ली। इसे भी पलटते हुए यहाँ से बस आपको इस तरीके से कॉर्नर बनाना है, इस तरीके से फोल्ड करते हुए देखिए प्रॉपर हमारा फिनिश हो जाएगा। इस पे सिलाई लगा, ये मैंने पाइपिंग से फिनिश कर दिया। अब इस तरीके से मैंने टिच बटन लिए हैं, ये जो ब्लाउज में लगते हैं वो वाले नहीं है, उससे थोड़ा सा बड़े साइज के टिच बटन है ये। मार्केट में इजिली मिल जाते हैं, जहाँ पे नॉर्मल मिलते हैं वहीं पे बड़े वाले भी मिल जाते हैं। तो एक यहाँ लगा लीजिए इस तरीके से, या आप वेलक्रो लगाना चाहते हैं तो वेलक्रो भी लगा सकते हैं इस तरीके से। ये देखिए कॉर्नर्स में सुई और धागे से हम इसे अटैच करिए। ये देखिए यहाँ पे इस तरीके से मैंने टिच बटन लगा लिए, तो यहाँ से इस तरीके से ओपनिंग आ गई। यहाँ पे कुछ भी सामान आप अपने अकॉर्डिंगली छोटा मोटा कुछ भी सामान रखना चाहते हैं, जैसे देखिए यहाँ पे पैसे वगैरह रख सकते हैं, कार्ड्स वगैरह रखना चाहते हैं इस तरीके से देखिए कार्ड्स वगैरह रख सकते हैं। तो अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली आप इसका यूज़ कर सकते हैं। कोई टैबलेट्स वगैरह है, मेडिसिन वगैरह है, वो रख सकते हैं, कोई मेकअप का सामान रख सकते हैं इस तरीके से। देखिए यहाँ से इस तरीके से क्लोज हो गया, ये देखिए इस तरीके से क्लोज होने के बाद देखिए बिल्कुल रेडी टू यूज है, बिल्कुल रेडी हो गया। तो देखिए इस तरीके से हमारे तीनों बैग रेडी हो गए। यहाँ से इस तरीके से फर्स्ट वाला दोनों तरफ इसके यहाँ रखने के लिए, और बीच में भी हमारे पास स्पेस है रखने के लिए। ये क्यूट सा बैग जो मैंने अभी आपको दिखाया, जिपर के साथ, दो पॉकेट्स के साथ इस तरीके से। और एक ये देखिए इस तरीके से ये वाला बैग, तो बहुत ही सिंपल और इजी तरीके से हमने इसे बनाया है। बिल्कुल भी फॉर्म शीट वगैरह कुछ नहीं यूज़ की है, जस्ट आपको जिप चाहिए और घर में ही पड़ी चीज़ों से आप इसे इजीली बना सकते हैं। सिंपल और इजी तरीके से हमने इसे बनाया है, ये देखिए, तो बिल्कुल रेडी हो गए हैं।